राह पे रुके, जिसको इस पहाड़ को जबले नूर कहते हैं। ये वो पहाड़ है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी जाया करते थे, और इस पहाड़ पर इस एक गार है जिसको गारे राह कहते हैं, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई। लेट्स सी, काफ़ी स्टीप है, हाइट पे है, देखें आप कितने टाइम में पहुँचते हैं वहाँ पे। तो जी अभी सिर्फ उसके दामन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पहाड़ के करीब पहुंचने की। उससे पहले ही बहुत ज़्यादा हाइट थी, सड़क बहुत ज़्यादा, ये कार्ड दिया इन्होंने, पता नहीं कौन सा कार्ड है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जनरल रेजिडेंसी ऑफ द कमीशन फॉर प्रमोशन ऑफ विजू एंड प्रिवेंशन ऑफ वॉइस। यहाँ पे लैंग्वेज का काफ़ी प्रॉब्लम आता है, कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल है, अरबियों को सिरे से बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती, इवन कि आप यस नो भी 1-2 भी उनसे पूछें तो वो कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही। तो चलें जी, अभी हम पहुंच गए, करीब हैं थोड़ा सा, लोग ऊपर जा रहे हैं काफ़ी तादाद में, सुबह और शाम के टाइम यहाँ पे काफ़ी रश होता है। ये गाड़ियाँ चेक करें, इन्होंने बिल्कुल चारों व्हील अपने जैम किए हैं तब ये खड़ी हैं, बहुत ज़्यादा हाइट है रोड पे, चेक करें। अबाउट 60 डिग्री स्लोप है और यहाँ पे एक्सीडेंट होने के भी काफ़ी चांस है, गाड़ी स्लाइड भी कर सकती है, स्केटिंग पॉसिबल है। ऑलमोस्ट मैं अपने ग्रुप में पहले नंबर पे यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पहाड़ों पर चढ़ने का थोड़ा सा तजर्बा था। अब ये इसमें सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं स्टेयर्स, तो पक्की सीट जो कि यहाँ पे बनाई गई थी किसी वक्त। लेट्स सी, इस पहाड़ पे जाना है। शहर का सीन चेक करें, ले जी सफ़र शुरू हो गया स्टेयर्स का, सारे थक चुके हैं, लोग सांस निकाल रहे हैं क्योंकि काफ़ी हाइट है, बहुत स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो स्लोप की वजह से लोग स्टेमिना लूज कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि सऊदी अरब में पानी थोड़ा सा महंगा है, तो यहाँ पे कुछ लेडीज़ हैं जो कि पानी की बोतलें पकड़ा रही हैं, और पकड़ाने के बाद डिमांड करती हैं 1 रियाल, तो 1-2 रियाल में जो छोटी बोतल है 250 ml की यहाँ पे सेल हो रही है। यहाँ पे डिमांड भी है ज़ाहिर बात है पानी की, अक्सर लोग पानी ले के आना भूल जाते हैं, तो फिर वो यहाँ से ले गए। देखें जी, पाकिस्तान की तरह शायद यहाँ पे कोई पाकिस्तानी भी आए होंगे पत्थरों पे अपने नाम लिखे हुए,
उल्फत हुसैन और नीचे माशाल्लाह फरिश्ता लिखा हुआ है, ये यहाँ के फरिश्ता होगी। मुख्तलिफ लैंग्वेज में ये सलीम साहब है कोई, और फैमिली पाकिस्तान, माशाल्लाह यहाँ पे भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है। शहर का मंजर देखे, माशाल्लाह यहाँ पे भी आपको लिम्बू पानी मिल जाएगा, चेक करें। शायद ये भी पाकिस्तानी है, यहाँ पे जुगाड़ लगाए हुए इन्होंने, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे शायद की मक्खी भी नजर आ रही है, मीठा लेने के लिए आई हुई है। ये जी प्यासी नजरों से देख रहे हैं लिम्बू पानी को, भाई इतनी हाइट चढ़ के आए हैं, प्यास तो लगी ही होगी इनको ठीक ठाक। लोग रेस्ट कर रहे हैं काफी, माशाल्लाह यहाँ भी आपको तस्वीरें भी मिल जाएंगी, स्टोन्स भी हैं। वो सामने मक्का टावर भी नजर आ रहा है, रिंग्स। अच्छा ऊपर ट्रॉप पे पहुंच गया हूँ ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोड भी इन्होंने बना दी है अब, तो आने वाले वक्त के लिए ये आपके जैसे आप देख रहे हैं, आज तक तो पैदल चलने का रास्ता था लेकिन अब इन्होंने एक रोड भी बना दी है, इसको पक्का कर देंगे तो आने वाले टाइम में गाड़ियाँ बिल्कुल यहाँ तक आएंगी, आपको यहाँ पे ड्रॉप करेंगी। चार्जेस उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑलरेडी हम ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ये आपको नज़र आ रहा है नीचे एक ट्रैक, वो नीचे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये ट्रैक नया बन रहा है जो कि यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। भाई बहुत ही टफ रास्ता है लेकिन नए बंदे के लिए खास तौर पे, और लेडीज़ के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। ये एक लेडीज़ को कैसे पकड़ के लेके आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लोप होने की वजह से मुश्किल है, फासला इतना नहीं है। अगर आप एक ही सांस में आते हैं, आप जैसा अगर यंग बंदा है तो मैक्सिमम 20 मिनट में वो टॉप पे पहुंच जाएगा। ऑलमोस्ट मैं पहुंचने वाला हूँ, पहली दफ़ा देखा है इसको मक्का में। बाकी वो ब्लैक कलर के हैं ये, लेकिन ये एक ख़ास किस्म है कबूतर की, क्योंकि यहाँ पे अकेला बैठा हुआ है बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं अभी उड़ने की कोशिश कर रहा है, वो ख़तरा है। ये आई थिंक ये बड़ी रेयर किस्म है, इसको देख सकते हैं, शायद अकेला रह गया इसकी फैमिली। वो नीचे दूसरी किस्म के बैठे हैं लेकिन उड़ गया।
ये चेक करें जी, काले आ रहे हैं, ये बड़े शरारती हैं, अक्सर शर्तों के साथ शरारतें करते हैं। बाकी जो लोगों का बुरा हाल है आप देख सकते हैं, थक हार के लोग बैठ के हैं, खास तौर पे लेडीज, लेकिन बहुत बुरा हाल है। वाह जी वाह, एक छोटा सा बाजार ही बना हुआ है बिल्कुल टॉप पे। यार यहाँ पे आके अंदाज़ा होता है कि अगर आप खुद चढ़ गए फिर आपको ये बात समझ आएगी कि किस तरह अल्लाह के प्यारे हबीब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आते रहे और रेगुलर आया करते थे। और ये अल्लाह ही जानता है ये हिकमत क्या है इसके पीछे, कि अल्लाह ने नबी को इस हाइट पे बुला के और कुरान मजीद नाजल किया। यहाँ पे मज़े की बात है, एक बिल्ली भी है, दूध पी रहे हैं, बिल्कुल साथ ही लोग नफल अदा कर रहे हैं और ये बिल्ली लेटी है। ये लोग ज़ियारत करके आ रहे हैं उस खास जगह की, यहाँ पे काफ़ी रश है। ये नीचे घर है, लोग जोग दर जोग जा रहे हैं इस गार को देखने के लिए, काफ़ी रश बन चुका है नीचे। यार बहुत सीक्रेट जगह नज़र आ रही है मुझे तो, ये ख़ास कोऑर्डिनेट्स है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे, इबादत किया करते थे नबूवत से पहले भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहाँ पे ही कुरान मजीद नाजल होना शुरू हुआ जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। हाँ जी लोग यहाँ से आ रहे हैं, मैंने शॉर्टकट लगाया, ऊपर से आया हूँ इस साइड से, ये एक शॉर्टकट था ऊपर से आने का। ओह यहाँ पे तो काफ़ी रश है लोगों का, हजूम वाकई बहुत रश है। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो चुका है और आगे जाने में भी मुश्किल हो गया है।